संगम में तो हम 2 दिन से लगातार स्नान कर ही रहे हैं दोनों टाइम, लेकिन आज हम नाव में आए हैं बिल्कुल बीच में जाने के लिए, जहाँ बीच में संगम होता है यमुना माता का और गंगा माता का। तो नाव में बैठ के वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके स्नान करेंगे, इसलिए यहाँ पे सब खड़े हैं, चेंज करने गए हैं। जब चेंज करके यहीं से तब जाएंगे नहा के, फिर वापस आके चेंज कर लेंगे। हम जा रहे हैं संगम में स्नान करने के लिए, यमुना गंगा मैया जहाँ मिलती है ये सिला दो इसमें यहाँ पे। नहीं पन्नी, हाँ डाल दो पन्नी, ना डालना ये अबे तो सुंदर की साइड लेकर चलियो उधर की। इसमें ना बेल्ट उधर लेके चलिए भाई, जल पुलिस के पास, जल पुलिस के पास उधर तो 6 पैकेट लाए थे ना, मोहित वाला भी डाल दिया। दे दो, सब डाल दिए, सबके हिस्से के तुमने डाल दिए। दिन भर में कितनी सवारी ले जाते हो? अरे कितनी सवारी ले जाओ दिन भर में? 4-5 चक्कर। एक चक्कर में कितना टाइम लगता है? आधा घंटा 1 घंटा जैसे समय हो गया। अच्छा, 2 घंटे का सुनो हमारा भाग, 2 घंटे सुनो। ये जमुना जी दिल्ली मथुरा वृंदावन हो तो जमुना ही है, हरिद्वार ऋषि के पास। हाँ हाँ, वो ऐसा ऐसा जमुना जी जा रही है और उधर से वो आ रही है ना, यहाँ पे संगम हो रहा है देखो। कहाँ है जल अलग अलग? देखो ना नीचे, ये देखो सफेद और हरा पानी। अच्छा अच्छा अच्छा, सरस्वती गुप्त है उन्हीं के नाम से दूध फूल नारियल डाल के नहाते हैं। हाँ जी हाँ जी, वहाँ मिल जाएगा नारियल। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। तब वापसी में जाओगे भर लेंगे? यहाँ नीचे उतर कर नाने का है। अरे बाबा
देख रहे हैं हम पहुँच ही गए हैं गंगा मैया में। पानी बहुत कम था यहाँ पे, मतलब ऊंचा टिल्ला बना हुआ है बीच में ये, तो यहाँ पे आके नहाते हैं तो आराम से नहा लेते हैं कितने अंदर तक चले जाओ। और हमने यहाँ लगभग एक घंटा नहाए हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा मस्ती की हम चारों ने यहाँ पे। पायल नहीं नहाई थी, पूरा वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन अब हम नहा लिए हैं वापस जा रहे हैं। दीदी हर चेंज करेंगी तो दीदी हर ने चेंज कर लिया था, अब हम नाव में बैठ गए हैं। और ये पक्षी देखो कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक चलते हैं दाने की उसमें चाह में। और ये विदेश से आए हुए पक्षी हैं जो इस समय भारत में आ जाते हैं, यहीं रहते हैं जमुना जी में, तो इनके लिए सब दाना लेके जाते हैं डालते रहते हैं। तो अब वापसी चलती हैं, दीदी हर ने चेंज कर लिया, मैंने अभी चेंज नहीं किया, मैं जाके करूँगी वापस चेंज। पक्का तुमने सारे दे दिए, बचाया नहीं था एक भी, पता 6 पैकेट लाए एक ही बार में सारे कर दिए। अभी भी ठंड लग रही तुम्हें? हाँ ये देख कितनी सुनोगे मेरे घूमता। अब देखिए मैं तो गिल्ले कपड़े भी पर रहा है, देख लो कैसे कड़े। तुम वैसे कह दो ना लग रही ठंड तो नहीं तो दिख रहा है, ठंड तो लगेगी क्यों नहीं जब गिल्ले कपड़े हैं, हवा लग रही। अब हम वापस आ गए हैं संगम में, स्नान करके नाव से गए थे और मेरे कपड़े गिल्ले हैं। दीदी हर ने तो कपड़े वहीं पे बदल लिए थे नाव में ही, मतलब पर्दा लगा के, मैंने नहीं बदले थे। मैं यहाँ पे घाट पे ही बदलूँगी, यहाँ रूम बने हुए हैं चेंजिंग। और उसके बाद हमने की थोड़ी सी शॉपिंग, सब जगह एक ही जैसा मिलता है मेलों में, मालाएँ सिंदूरदानी या सिंदूर, बस इसी तरह का जिसको जो थोड़ा थोड़ा सामान चाहिए था वही ले कर हम फिर वापस आ गए थे घर पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय गंगे मैया की।